जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में, जहाँ पे पंजाब मल्टीकल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आए हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं यहाँ के स्टूडेंट से और जानते हैं कि किस टाइप का फेस्टिवल यहाँ पे वो मतलब एंजॉय कर रहे हैं और अपने कल्चर को वो किस तरह से प्रमोट भी कर रहे हैं। हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मेरा नाम नेहा मेहरा और मैं गवर्नमेंट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज मैंने राजस्थानी यहाँ पे परफॉर्म किया है, जिसमें मैंने 8 मटके सिर पे बैलेंस करते हुए भवई डांस किया है और कालबिलिया का मिक्सचर किया है और मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मैं यहाँ परफॉर्म कर पाई। इन सब के बीच में अब्रॉड के स्टूडेंट्स आए हुए थे। आई एम फील वेरी 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 ब्लेस्ड। एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर परफॉर्मिंग? नो, आई एम परफॉर्मिंग मैनी स्टेजेस, बट ऑन द गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी फर्स्ट टाइम था। ओके, हेलो, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो आप बताइए, आप मेंशन कीजिए, आप अपने कल्चर को किस तरह से यहाँ पे प्रमोट करने के लिए पहुँचे हैं? हमने आज फ्यूजन डांस प्रेजेंट किया था। सिंस यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ बाहर से भी लोग आए हैं, तो हम एक इंट्रैक्शन चाहते थे उनके और हमारे कल्चर्स के बीच में। तो मैंने क्लासिकल और श्रुति ने वेस्टर्न परफॉर्म किया था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और स्टेज पे जाके कितनी नर्वसनेस फील की? बिकॉज अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो कहीं आपको लगा कि आप नर्वस थे? नहीं, सिंस मैंने काफ़ी स्टेजेस पे परफॉर्म किया है, नर्वसनेस नहीं थी, बट ये ज़रूर था कि वो हमारे कल्चर को समझ पाएँ, इतना हम कर पाएँ उनके लिए। तो ये सब काफ़ी इंकरेजिंग फील हुआ वहाँ जाकर। दैट्स ग्रेट। हेलो, हाउ आर यू? तो आप बताइए कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे? आज इंटरनेशनली काफ़ी मतलब आर्टिस्ट आए, उनसे हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला। एक नया स्टाइल हमने आज देखा, मैक्सिकन, दैट वाज रियली वेरी अमेजिंग बाय देम। एंड हमने आज क्लासिकल एंड वेस्टर्न का उनको फ्यूजन दिखाया, जो कि उनके लिए भी थोड़ा अट्रैक्टिव था। एंड हमने पूरा अपना बेस्ट परफॉर्म किया एंड हमने प्रैक्टिसेस काफ़ी की इसके लिए। एंड दिस वाज रियली वेरी great experience for us, for them also. We can say you learned a lot. Yeah, also. We learned a lot. Great. Hello sir, welcome to Times Punjab TV. Sir, first of all, we want your intro in your words. Thank you so much. Sat Sri Akal ji saryanu. Dr. Devinder Singh Chhina, jada Punjab Multicultural Festival hai, ida assi chota jiha boota laya si, ajj bahut vadda darakhat ban gaya. Eh duniya bhar da ek international festivalan di series vich aa chuka hai. Eh 9th edition hai Punjab Multicultural Festival da. और इतों पहला जी 8 इंटरनेशनल फेस्टिवल असी पंजाब मल्टीकल्चर फेस्टिवल के बैनर थले किए हैं, सारे ही वर्ल्ड क्लास डेलीगेशन आए हैं। आज साढ़े को एस्पिरिटो फोकलोरिका डांजा मैक्सीको सिटी तो मैक्सीको तो इंटरनेशनल फोक एनसैम्बल आया 15 मैंबरी मिस्टर आर्टुरो जेवियर सालाजार अलवारेज वो अगवाई के जिद लाइव म्यूजिशियन भी है 5 और जिद मेल आर्टिस्ट भी है, फीमेल आर्टिस्ट भी है, सोंगस भी है, डांसिंग का भी प्रोग्राम हैगा और इंटरनेशनल प्रोग्राम लैके वो साढ़े को आए हैं और वह साड़ी कंट्री ना साढ़े लोगों नाल दोस्ती पाने लिए इतने आए हैं और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप कल्चर ऑफ पीस मल्टीकल्चरलिज्म लिए असं ये इवेंट्स कराने हैं। असं यह चाहते हैं कि साढ़े स्टूडेंट्स को दुनिया भर दौमों दुनिया भर के सभ्याचार बारे और दुनिया भर दरासतों बारे पता लगे, बट एट द सेम टाइम जिमें कि तुम साढ़े स्टूडेंट्स तो भी सुनया कि इन्होंने भी अपने फोकलोर अपन ट्रडिशन उन्होंने सामने रखे, बहुत वही इंटरैक्शन आ, बहुत वही एक्सचेंज है एजुकेशनल और कल्चरल एक्सचेंज जी बड़ी लड़ है। मैं समझता अज्ज के जमाने में स्टूडेंट्स वास्ते उन्होंने एजुकेशन दुनिया भर दौमों लोगों पीस वास्ते और असं एक छोटा जहा कंट्रीब्यूशन पा रहे हैं और ये साढ़े जोड़े इंटरनेशनल फेस्टिवलों का सिलसिला लगातार साड़ा जारी है। असं 2001 पहली बार सलवाकिया तो डेलीगेशन बुलाया से और असी अपने वालों एक रिकॉर्ड छोटा जहा रिकॉर्ड बनाया कंट्री के अंदर। असी हम इस डेलीगेशन सने 46 फोक डेलीगेशन होस्ट कर चुके हैं पंजाब के और उन्होंने मोस्ट ऑफ द डेलीगेशन असं श्री दरबार साहब अमर
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਹਾਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਲੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫੋਰ ਯੋਰ ਗੋਲਡਨ ਵਰਡਸ तो आपने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में जो आज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है तो अब्रॉड से भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी अपना कल्चर यहाँ पे प्रमोट करने के लिए वो पहुँचे हैं और सबसे बड़ी बात कि पंजाबी विरसा और पंजाबी कल्चर को बाहर भी फैलाने के लिए ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं यहाँ पर कॉलेजेस में तो होपफुली हम चाहते हैं कि जो पंजाबी हमारा विरसा है वो दूर दूर तक फैले दूर दूर तक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए कि हमारा पंजाबी कल्चर है उसकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा बड़ी है थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा टाइम्स पंजाब टीवी